रेकी डिवाइन हीलिंग फाउंडेशन रायपुर से मैं अतनु लहरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय ओम मेडिटेशन मेडिटेशन सीरीज से है। ओम अपने आप में ध्वनि जो है बहुत ही पावरफुल है। इस ध्वनि से आपके हेल्थ के इम्प्रूवमेंट तो होता ही है और साथ ही साथ ओम में चंटिंग से आपके जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और लंग्स भी स्वस्थ होता है। ओम के वाइब्रेशन में आपके भीतर पॉजिटिविटी के साथ साथ आपके सराउंडिंग आपके कमरे में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन की वृद्धि होती है। आज इस ओम मेडिटेशन में हम उतरेंगे। उसके पहले अगर जो हमारे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाएं। जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं पालती मार के बैठ जाएं। आप बिस्तर में भी बैठ सकते हैं और नीचे चटाई या कंबल ऊन के आसन बिछा के भी बैठ सकते हैं। अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ अपने गोदी में रखें। इसके तीन चरण हैं। पहले चरण में हम ओम की चंटिंग स्वस्वर करेंगे। उसके बाद की चंटिंग जो है हम मन में करेंगे और वो जो चंटिंग करेंगे उस चंटिंग के बाद मानसिक चंटिंग के साथ साथ आपकी जो आभा मंडल है वो भी बढ़ता चला जाएगा। मानसिक जो ध्वनि है वो किसी भी आयाम तक आप पहुंचा सकते हैं क्योंकि मन किसी भी आयाम तक जा सकती है, लेकिन जो गले से निकलने वाली साउंड है ध्वनि जो है उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन मानसिक ध्वनि का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए इस ध्वनि को हम मानसिक रूप से ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। उसके बाद तीसरे चरण में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ध्वनि को सुनेंगे अपने भीतर अपने आत्मा में केंद्रित होकर उस ध्वनि को सुनेंगे एज ए ऑब्जर्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लें, रिलैक्स हो जाए। Oh.
दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। जो रेकी अटूनमेंट लिया हुआ है, रेकी चैनल ऑन करके अपने चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश से देखें, घिरे हुए ऑरा को देखें, मुंह बंद, मानसिक रूप से ओम की जप करें। और आपकी मानसिक ओम की जप आपके घर तक ध्वनि पहुंच रही है। आप भ्रामरी जैसा आवाज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप मन से ध्वनि करें। धीरे धीरे आपकी ओम की मानसिक जप बढ़ रहे हैं, साथ में आपके आभा मंडल भी बढ़ रहे हैं। पूरे घर में आपके आभा मंडल का विस्तार हो गया। धीरे धीरे आप की मानसिक जब आपके मोहल्ले तक चला गया इतना तेज, और साथ ही साथ आपके आभा मंडल भी मोहल्ले तक चला गया। जैसे जैसे आपके आभा मंडल बढ़ रहे हैं, लोग आपके आभा मंडल से कनेक्ट हो रहे हैं और आपके प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं। ये आभा मंडल जहाँ जहाँ जाएगा, लोगों से आपका संबंध मधुर होगा। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हैं, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई भी क्षेत्र में है, आपकी यश मान कीर्ति में वृद्धि होगी। लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। मानसिक जप को और बढ़ाइए, तेज करिए। पूरे शहर में आपकी ध्वनि गूंज रही है और पूरे शहर में आपके आभा मंडल फैल गया। और शहर के सारे लोग आपके प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं। अब ओम की ध्वनि को बढ़ाते जाएं, शहर से पूरे जिले में, देखिए पूरे जिले में आपकी ओम की ध्वनि पहुंच रही है। साथ ही साथ आपके आभा मंडल भी पूरा जिला में फैल गया। अब आभा मंडल को जिले से भी आगे ले जाना है। चलिए आभा मंडल को और तेज करिए। आप जिले से पूरे राज्य में, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, पूरे राज्य में आपके आभा मंडल फैल गया। और ओम की ध्वनि भी आपके राज्य में ध्वनि हो रही है, गुंजन हो रही है, जो हवा के साथ फैल रही है।
सूक्ष्म रूप से आपके आभामंडल बढ़ रहे हैं और आपके ध्वनि भी बढ़ रही है। राज्य से भी आगे ले जाना है, पड़ोसी राज्य से होता हुआ पूरा देश में आपके ओम की ध्वनि इतना तेज मानसिक रूप से करिए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से आसाम तक, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, पूरे भारत में आपकी ओम की ध्वनि गूंज रही है और पूरे भारत में आपके आभामंडल फैल गया। पूरे भारत के लोग आपके प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं। मानसिक गति को बढ़ाते रहना है, इसलिए और बढ़ाइए और तेज करिए। पड़ोसी देश होता हुआ यूरोप एशिया से होता हुआ, अफ्रीका होता हुआ, ऑस्ट्रेलिया होता हुआ, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, पूरे विश्व में आपके आभामंडल गूंज रहे हैं। आभामंडल फैल गया है और ओम की ध्वनि गूंज रही है उत्तर मेरु से दक्षिण मेरु, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी के ओड़ा में। आप पृथ्वी के ओड़ा के साथ आपके ओड़ा मिल गया और पृथ्वी की ओड़ा में आपकी ओम की ध्वनि की गुंजन हो रही है। आपकी यशमान कीर्ति फैल रही है इस देश में और पृथ्वी में। जहाँ कहीं भी शुद्ध चेतनाएं ध्यान में हैं, उनको आपकी अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें, विश्व से आगे वायुमंडल से होता हुआ पूरे गैलेक्सी को देखिए। पूरा गैलेक्सी में आपका ओम की ध्वनि गूंज रही है, सारे ग्रह में आपकी ओम की ध्वनि गूंज रही है और आपकी आभामंडल भी पूरे गैलेक्सी में फैल गया। और बढ़ाइए और तेज करिए और तेज करिए और गैलेक्सी से भी बाहर आकाशगंगा तक ले जाइए। आकाशगंगा तक आपकी ओम की ध्वनि पहुंच गई है और आपके आभामंडल भी, एनर्जी बॉडी ओड़ा भी पहुंच गया। पूरे ब्रह्मांड में आपकी ओम की ध्वनि गूंज रही है शिवलोक तक, आनंद लोक तक, और आपके आभामंडल भी, एनर्जी बॉडी भी ब्रह्मांड में फैल गया, ब्रह्मांड के ओड़ा के साथ मिल गया। आप पूरी ताकत लगा दें, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों मिला के आपके ओम की ध्वनि को पहुंचा दें उस आयाम तक जिसके बाद कोई आयाम ना हो। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी के साथ ध्वनि को कम करते जाएं, ब्रह्मांड से आकाशगंगा, आकाशगंगा से गैलेक्सी में आ जाएं। एकदम से कम नहीं करना है, जिस रेशियो में यहाँ पे था उसी रेशियो को बनाता हुआ गैलेक्सी से पृथ्वी में आ जाएं और पृथ्वी से फिर अपने देश में आ जाएं,
अपने देश और अपने देश से अपने राज्य में आ जाएं, अपने राज्य से अपने जिले में आ जाएं। आभामंडल सिकुड़ता जा रहा है, ओम की ध्वनि कम होता जा रहा है, धीरे 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 अपने जिले से अपने शहर, शहर से अपने मोहल्ला, मोहल्ला से आपके घर, आपके घर में फिर आप। अब ध्वनि सिर्फ आपको सुनाई दे रहे हैं, आपके आभामंडल आपके पास सघन होकर, एनर्जाइज होकर और उज्जल और प्रकाशमय और तेज होकर आपके चारों तरफ, और आपके ओम की ध्वनि भी आपके चारों तरफ। अब धीरे धीरे ओम की ध्वनि को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, एकदम शांत हो जाए, एकदम शांत। अब तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अब तीसरे चरण में पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर, हृदय के पास ले जाएं और देखें और सुनें अपने भीतर, अपने आप हर एक अंग, हर एक कण, हर एक सेल से ओम की ध्वनि निकल रही है। आपके मानो श्वास ओम की ध्वनि कर रही है। इसे देखते रहें एज ए ऑब्जर्वर, दृष्टा भाव से सुनते रहें। आपको कुछ नहीं करना है, चुप बैठे रहना है, देखते जाएं, देखते जाएं। जितना केंद्र में जा सकते हैं उतना केंद्र में जाएं, सूक्ष्म होते जाएं। एक बिंदी में अपने ध्यान स्थापित कर लें, अपने हृदय में एक बिंदु में अपने ध्यान स्थापित कर लें। मानो पूरा ब्रह्मांड की शक्ति आकर इस बिंदु में समाहित हो गई है। कुछ देर ऐसा ही रहे। फिर तीन चार लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़े, अपने हथेलियों को रगड़े और हाथों के बीच में आँख खोल के सबको धन्यवाद दें, प्रकृति को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें, माता पिता को धन्यवाद दें और सबका मंगल का कामना करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। रिलैक्स हो जाएं। अब आप चाहे तो आँख खोल सकते हैं, चाहे थोड़ी देर लेट सकते हैं, आपको जैसा मन करे वैसा करें। जय श्री गुरु। अगर आपको ये ध्यान अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।